हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ हिबिस्कस प्लांट पे बात करने वाली हूँ। तो आज का जो खास जो टॉपिक है वो है पर्पल हिबिस्कस पे, तो इसकी केयर पे हम बात कर लेते हैं। और वैसे तो हिबिस्कस की लगभग सबकी केयर एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें रहती हैं, जो कि देसी हाइब्रिड और जो भी मतलब अलग अलग वैरायटी होती हैं उन पर थोड़ी सी अलग अलग मतलब केयर होती है। तो जो हाइब्रिड होते हैं उनकी देखभाल हमको ज़्यादा करनी पड़ती है, जो देसी होते हैं उनकी देखभाल हमको बहुत कम करनी पड़ती है। जैसे देखिए, ये एक तरह से तो मतलब ये देसी में ही आता है और इसकी केयर हमको बहुत कम करनी पड़ती है। इसमें आप फर्टिलाइज़र बहुत कम देंगे तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, फूलों से भरा रहेगा पूरा। और इतने ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे, पूरा नीचे जड़ के पास से फूल लेकर के पूरा ऊपर तक इसमें फूल ही फूल खिले रहेंगे। कलियाँ आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। लेकिन जो पर्पल हिबिस्कस है इसमें न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और साथ में जो इसका टाइमिंग है फ्लावरिंग का वो भी मतलब फिक्स होता है। मेरे यहाँ जैसा मैंने देखा है, मुझे इसके बारे में मतलब ये नहीं कि बाकी जगहों पर किस तरह से फ्लावरिंग करता है, लेकिन मेरे जो एरिया है, हमारे यहाँ का जो एरिया है उसके हिसाब से ये बरसात में ही फ्लावरिंग करता है। बरसात के बाद इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, विंटर में ये डोरमेंसी में रहता है और पूरे समर ये अपनी ग्रोथ करने में लगा देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ मैंने ये चीज़ देखी है इसमें कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पसंद नहीं है। ये जितनी ज़्यादा तेज़ धूप में मतलब रहेगा उतना ही इसकी जो ना ग्रोथ होगी अच्छे से और ना ही उतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो जब बारिश का मौसम है इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, बारिश में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और देखिए, जब ये कलियाँ बनाना शुरू करता है तो नीचे से लेकर के शुरू करता है कलियाँ बननी, यहाँ से लेकर के देखिए ये पूरी और पूरी ब्रांच में इसमें कलियाँ ही कलियाँ हैं, कलियाँ ही कलियाँ, और रोज़ दो चार फूल इसमें खिले रहेंगे। ऊपर देखिए, यहाँ तक इसकी पॉइंट तक कलियाँ हैं, टिप तक में। तो ये इसकी एक खासियत है कि जब ये खिलता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फूल आते हैं, लेकिन जब नहीं खिलता है तो ये नहीं खिलता है, कई कई महीनों तक इसमें फूल नहीं आते हैं। तो इसकी अगर केयर पे हम बात करें तो इसको जो मीडिया है, इसकी पॉटिंग मिक्स है, आप अच्छी वेलड्रेन बनाएं, जो कि हम सारे प्लांट की एक जैसी बनाते हैं, उस पर मतलब 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर रखें। नीम खली, एप्सम सॉल्ट, बोन मिल भी आप मिला सकते हैं, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर रखें, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ही जल्दी लाइट ग्रीन होने लगती हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी सी बीच में ग्रीन हुई थी और फिर से लाइट ग्रीन होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारे इस समय धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मैं इनको कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है। जैसे ही मतलब इनका मौसम आया, धूप ज़्यादा तेज़ थी इस समय पर, लेकिन अभी दो दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और कलियाँ बन गई थी। मैंने इसमें दिया था ऑर्गेनिक पोटाश, जो मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पर, ऑर्गेनिक पोटाश और ऑर्गेनिक DAP, ये दोनों फर्टिलाइज़र मैंने दिया था इसमें। जितने भी मेरे हिबिस्कस के प्लांट है सब में दिया था। इधर देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए, हमारा पिंक वाला भी है। कटिंग से ये सारे प्लांट मैंने ग्रो किए थे और ये कटिंग इसकी इजीली बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है इस प्लांट की। ये देखिए, येलो में भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तो अभी जैसे जैसे इन्होंने ग्रोथ शुरू कर ली अभी फ्लावरिंग पर भी आते जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे थे इसी के बारे में। तो मिट्टी अच्छी वेलड्रेन बनाइए, टाइम टाइम से हर महीने एक बार कंपोस्ट जरूर दीजिए, साथ में आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी करिए, उससे आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, पत्तियां जो है पीली नहीं होंगी, कलियां सूख करके गिरेंगी नहीं और ढेर सारी कलियां होंगी। और महीने में या 20 दिन में आप इसमें ऑर्गेनिक पोटास आधा चम्मच दीजिए, या तो फिर आप बनाना पेल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। बनाना पेल फर्टिलाइज़र देते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, उसकी मात्रा कभी भी ज़्यादा ना करें। जब भी कभी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सारी पत्तियाँ पीली करके प्लांट गिरा देगा और आपका प्लांट शॉक में आ जाएगा, थोड़ा सा पत्तियाँ तो सारी ही गिरा देगा। तो क्वांटिटी का ध्यान रखें, जैसे कि आपने 4-5 छिलके डुबाए हैं उसको कम से कम 10 लीटर पानी में मिक्स करके उस पानी को और तब दीजिए। अगर आपने 12 छिलके डुबाए हैं तो उसमें कम से कम 25-30 लीटर पानी डुबा करके फिर उसको प्लांट में दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। सनलाइट की बात करें तो इसको 4 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ में धूप में चलते तो हैं, ये ऐसा कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर इसके फूल भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं और साथ ही पत्तियाँ भी थोड़ी सी पीली पीली सी होने लगती हैं। तो 4-5 घंटे की धूप काफ़ी होती है, अगर तेज़ धूप है तो फिर आप उसको थोड़ा सा छाया में रख सकते हैं, पर अभी का जो बारिश का धूप है इसके लिए अच्छा है और बारिश में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो बारिश के टाइम में ही ये ज़्यादातर फ्लावरिंग करता है, बाकी टाइम में ये उतनी ज़्यादा, विंटर में भी थोड़े बहुत फूल दे देगा लेकिन ज़्यादा फूल नहीं देगा। अगर अच्छी केयर करते जाएंगे तो विंटर में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो जाएगी, लेकिन जो सबसे अच्छा मौसम है इसका ये मानसून का ही सीज़न है, ये लगभग अगस्त सितंबर में ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, ये 2-3 महीने फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है और उसके बाद ये थोड़ी सी फ्लावरिंग अपनी कम कर देता है। 1-2 फूल आते रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जो अच्छी हैवी ब्लूमिंग है ना, जैसे इस तरह से देखिए ढेरों कलियाँ आती हैं प्लांट में, तो ये चीज़ इसमें बरसात में ही देखने को मिलती है।
अब हो सकता है कि मैं न्यूट्रिएंट्स कम देती हूँ या उस वजह से हो सकता है, जितना मैं आपको बताती हूँ मैं भी उतना नहीं दे पाती क्योंकि मेरे पास प्लांट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो उस कंडीशन पे हर प्लांट पे ध्यान देना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हो सकता है अगर बराबर से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे तो पूरे साल भी फ्लावरिंग कर सकता है, पर जहाँ तक मैंने देखा है ये अपनी सारी एनर्जी ग्रोथ करने में ही लगा देता है। जब ये पूरी ग्रोथ अपनी कर लेता है उसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। बाकी के हिबिस्कस हम देखते हैं छोटे से छोटे प्लांट में फ्लावरिंग होने लगती है। ये देखिए मैंने कटिंग से लगाया है, अभी इसमें कलियाँ नहीं आई, ये कटिंग से ग्रो हुआ प्लांट है मेरा और इसकी मैंने थोड़ी सी पिंचिंग कर दी थी तो इसमें कई सारी ब्रांच भी हो गई। ये कटिंग मैंने लगाई थी फरवरी में लगाई थी शायद, अभी की कटिंग लगाई नहीं है ये, और मैंने इसी में इसको रिपोर्ट भी किया था या फिर मुझे याद नहीं है, एक बार इसकी रिपोर्टिंग फिर से ज़रूरी है थोड़ा फर्टिलाइज़र वगैरह डाल करके। तो मैंने अभी किया नहीं है कुछ भी, मैं सोच रही थी किसी दिन कर लूँगी। तो पेस्ट अटैक की बात करें तो इसमें मिली बग का भी अटैक हो जाता है और ब्लैक कलर के एफिड्स का भी अटैक हो जाता है। उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या तो आप, मैं तो रोगोर का स्प्रे कर देती हूँ, जब भी कभी अपने गार्डन करती हूँ उसी का स्प्रे कर देती हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, उससे ठीक हो जाते हैं प्लांट और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अटैक होता नहीं। एक बार स्प्रे किया था, मतलब एक बार मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा मिली बग का अटैक हो गया था, लेकिन मैंने उसके बाद प्रूनिंग कर दी थी सारे प्लांट की। प्रूनिंग के बाद मेरे प्लांट लगभग सारे ही ठीक हो गए हैं, कुछ प्लांट में एक दो में अभी भी कुछ कहीं पे कुछ दिख रहा है तो मैं या तो प्रूनिंग कर दूंगी उनकी या तो फिर उनको रिमूव कर दूंगी। तो इस तरह से केयर कर सकते हैं। तो धूप की बात हमने कर ली, पानी आप ये ध्यान रखिए थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, एकदम से मिट्टी मत सूखने दीजिए, नहीं पत्तियाँ इसकी बहुत जल्दी मुरझा जाती हैं, वो हर प्लांट पर मतलब लागू होता है। टॉप लेयर आपकी सूखे जैसे ही वैसे पानी दे दीजिए प्लांट में तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा और साथ में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करेगा। अगर आपने फूलों के टाइम में इसमें मिट्टी सूखने दी तो इसके जो फूल हैं वो भी सूख जाएंगे, कलियां भी सूख करके गिर जाएंगी। तो जब ये फ्लावरिंग टाइम पे हो उस टाइम पे पानी का ध्यान रखिएगा। काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ कल अच्छे जम करके बारिश हुई है तो प्लांट की चमक ही अलग हो गई है, थोड़ा सा बारिश का पानी मिला है। तो आज मैंने गमलों में पानी फिर नहीं दिया है क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी अच्छी खासी। तो इस तरह से आप इनका ध्यान रखिए। कटिंग आप अभी भी इनकी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में भी इसकी कटिंग लग जाती है और मैंने कई बार इसकी कटिंग लगाई है। ऊपर की ये जो टिप होती है, कलियों वाला पार्ट नहीं लेना है आपको जिसमें कलियां ना आई हों, जैसे ये वाला पार्ट है, इतना ले करके कम से कम एक या दो नोड उसमें होने चाहिए, उसको आप सैंड में लगा दीजिए या तो सैंड और मिट्टी दोनों को मिक्स करके लगा दीजिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। कटिंग को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो। जब बारिश रिमझिम होती रहती तब कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होती है हिबिस्कस की, चाहे कोई सा भी हिबिस्कस आप लगाएं, लेकिन अगर सूखा मौसम आ जाता है तो कटिंग लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कभी कभी तो ख़राब भी हो जाती है। तो बारिश का मौसम ही इनके लिए सबसे अच्छा होता है, मतलब कि कटिंग लगाने के लिए भी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी भी लगा सकते हैं, अभी एक महीना है, बारिश होने के चांस हैं अभी भी। तो अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से आएंगे तो आपको लगभग 100 रुपीज़ में ये प्लांट मिल जाएगा। और देखिए ढेर सारी कलियाँ यहाँ पर भी आई हैं, कल भी 3 फूल इसमें खिलेंगे, कल भी 2 फूल खिले थे, आज देखिए 3 फूल खिले हैं इसमें, 3 फूल यहाँ पर भी खिले हुए हैं और कल भी खिले हुए थे। और इसमें एक चीज़ ये भी है, कभी इसमें सिंगल पेटल का फूल आता है, कभी डबल का आता है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, एक अलग ही मतलब लुक देता है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।